न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। ई रिक्शा में महिला का पर्स चोरी कर उड़ाए लाखों रुपए, कुख्यात बाइक चोर गिरफ्तार, अपराधी सौरभ को हुई जेल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ई रिक्शा में महिला का पर्स चोरी किया गया। नागपुर गणेशपेट बस स्टैंड पर शाहू गार्डन जाने के लिए ई रिक्शा में सवार हुई एक महिला का अज्ञात आरोपी महिला का पर्स सहित नगद व गहने चुरा लिए गए। यह घटना शुक्रवार 24 मई को दोपहर 2:30 बजे के दरमियान हुई। महिला अनुश्री आनंद बोरकर बस से दोपहर 2:15 पर गणेशपेट बस स्टॉप पर पहुंची थी। वहां से उन्होंने शाहू गार्डन सेलिब्रेशन हॉल के सामने जाना था। इसके लिए उन्होंने ई रिक्शा में सवार हुई थी, लेकिन ई रिक्शा में पहले से सवार दो अज्ञात महिलाओं ने उनके पर्स सहित सोने के गहने व नगद 3,500 सहित 2,75,500 रुपए का माल चुरा लिया। कुछ देर बाद महिला को पर्स चोरी होने का पता चला। फरियादी की शिकायत पर गणेशपेट पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुख्यात बाइक चोर हुए गिरफ्तार। नागपुर में अपराध शाखा की यूनिट 3 की टीम ने शहर के विविध इलाकों को बाइक चुराने वाले कुख्यात बाइक चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी सुनील शेखर रहाड़े हैं, जो कि पुलिस टीम को सुनील के बाइक चोरी होने की लिप्त होने की खबर मिली। इसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सुनील ने कोतवाली से दो बाइक लकड़गंज और कलमना थाने के तहत दी बाइक चोरी की कबूली की थी। आरोपी से बाइक के सहित कुल 90,000 की गाड़ियां जब्त की गई। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अपराधी सौरभ को हुई जेल। नागपुर में पाचपावली के लक्षरबाग इलाके के अपराधी सौरभ सुधीर वासनी की MIDC के तहत जेल रवाना की गई है। कुरहाड़ी पेट के सौरभ के खिलाफ पाचपावली व जरीफटका इलाके में संपत्ति और शारीरिक अपराध से संबंधित मामले दर्ज किए गए। इसके खिलाफ हत्या का प्रयास करने, डकैत डालने, जख्मी करने, दंगा करने और जान से मारने की धमकी देने सहित अनेक गंभीर मामले दर्ज किए गए। MIDC के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव पुलिस आयुक्त काल में पेश किया गया। इस आदेश पारित करते हुए सौरभ को येरखेड़ा मध्यवर्ती कारागृह पुणे में रखने के आदेश के लिए फिलहाल उसे नागपुर जेल में रखा गया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।